मेरे प्रिय एटीएस के परिवार के सदस्यों, सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 2 साल नहीं 3 साल इतने कठिन थे सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए, इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए इतने कठिन थे कि एक तूफान सा आया था, एक आंधी आई थी और हम सबको हिला के चली गई। लेकिन अब एक शांति है, हवा में एक शांति है। इस शांति से एक नई सोच पैदा होगी, एक नया मौका। ये वो समय है जो कि उन्नति का समय है। इस 3 साल बाद आज जाके एक उन्नति का समय आया है। हमारा देश एक बहुत ही खूबसूरत देश है। हम सबको एक मौका मिलता है कि हम जो करना चाहते हैं हम करें, जैसे हम प्रगति करना चाहते हैं हम करें। इससे बढ़िया और बड़ी बात नहीं हो सकती हमारे लिए। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। बहुत छोटे से शुरू किया था मैंने। मेरे फादर सर्विस करते थे। मेरी मां का सपना था कि हमारा भी घर हो, और एक घर का मूल्य एक मिडिल क्लास परिवार में, एक मकान का मूल्य मैं जानता हूं, मैंने देखा है। बहुत मेहनत करी मेरे माता पिता ने कि हमारे सर पे भी एक छत हो। और जब मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने भी सोचा कि मैं मकान बनाऊंगा, अपने जीवन में जो भी करूंगा एक ऐसा काम करूंगा और इतने जुनून से करूंगा, इतनी पैशन से करूंगा ताकि हम लोगों को, मैं लोगों को घर दे सकूं। लेकिन ये मैं बदल गया हम में, क्योंकि मेरे को मिल गए आप सब, आप सबका साथ, और हम सब ने मिलकर इस कंपनी को खड़ा किया, एटीएस को खड़ा किया है। जैसे मुझे घर की कीमत, घर की वैल्यू, मकान की वैल्यू का एहसास है, आप सबको इस वैल्यू का एहसास है। घर क्या मायने रखता है हम सब के लिए, हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और इसीलिए हम सब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि देश के सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सबसे स्ट्रॉन्ग बुनियाद वाले मकान हम लोग बनाएं, और हम बना रहे हैं। हम सब ने बड़ी मुश्किलें झेली, एक साथ झेली, बहुत मेहनत करी और हम सब साथ आए। आज भी हमारी कंपनी का और मेरा ये लक्ष्य है कि हम सब और जितने भी मेंबर हैं हमारे इस कंपनी के, सब प्रगति करें, सब प्रोग्रेस करें। चाहे वो एक लेबरर हो, जो हम चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस करे और एक मिस्त्री बने, मिस्त्री ठेकेदार बने, ठेकेदार कंपनी का मालिक बने, ये हमारी कंपनी का एम है, ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है। इसीलिए हम सब लोग इतने सालों से साथ जुड़े हुए हैं, एकजुट होके, क्योंकि हमारी सोच एक प्रगतिशील सोच है। हम कैसे अलग हैं बाकी लोगों से, हमारी कंपनी कैसे अलग है? कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए अलग तरीके के काम करते हैं, और कुछ लोग प्रगति करने के लिए अलग तरीके से काम करते हैं। फर्क सिर्फ के और से का है। हम उन लोगों में से हैं जो अलग तरीके से काम करते हैं। इस बात में आप सब मेरे साथ सहमत होंगे, आप मेरी बात मानेंगे कि हम लोगों की जो सोच है, जो एक साफ स्पष्ट सोच है अपना काम करने के लिए, अपने काम के प्रति जो हमारा डिवोशन है, जो लगन है, वो अपने आप में एक अलग चीज है जो कि हर जगह नहीं देखी जाती। दुनिया देखती है कि हमारी जो बिल्डिंगें हैं, जो हमारी इमारतें हैं, बहुत सुंदर है, बहुत रहने के लिए इसमें आनंद आता है उनको, लेकिन उन इमारतों की बुनियाद नहीं देख सकती वो, जो हम सब लोग एक साथ मिलकर कंधे से कंधा जोड़कर बनाते हैं। ये तो हमारे काम की बात हुई। क्या आज हम उस स्थिति में है कि हम कहें कि भाई जो हमने किया, जो हम जिस तरीके से करते हैं, इससे आगे हमारी प्रगति नहीं हो सकती हमारे तरीकों में? जिन तरीकों से हम काम करते हैं, क्या उन तरीकों को और एफिशिएंट और बढ़िया नहीं बनाया जा सकता? ये सवाल हमें अपने आप से आज पूछने चाहिए। हां, मैं मानता हूं कि कोई भी हमारा मिस्त्री जो हमारे लिए काम करता है, वो गलत जगह ईंट और गलत तरीके से ईंट नहीं लगाएगा। हमारा जो भी सुपरवाइजर, इंजीनियर या ऑफिस में काम करने वाला मैनेजर या सीनियर ऑफिसर, किसी भी गलत सोच से प्रोजेक्ट की
कंसीव नहीं करेगा, उसको गलत तरीके से उसके प्रति सोच नहीं रखेगा। लेकिन अभी भी मार्जिन है, स्कोप है अपने तरीकों को और सुंदर और इफेक्टिव और एफिशिएंट करने की। आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि आज हम एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई शुरुआत की मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हम ऐसी पहल करने जा रहे हैं शायद जो आज तक हमारी इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस में शायद किसी भी कंपनी ने ना की हो, और वो है आपका सुझाव लाए बदलाव। आप क्या सोचते हैं कि कंपनी में आज ज्यादा बेटर रिजल्ट लाने के लिए, एक ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने के लिए, मकान बनाने के, घर बनाने के लिए क्या हम कुछ और बदलाव ला सकते हैं? आपकी सोच, आपके सुझाव कुछ ऐसा कहते हैं या कहने की कोशिश करते हैं? और क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद आज आपकी सुनवाई नहीं है? आज जो बदलाव है, जो नई चीज मैं कहने जा रहा हूं, वो यही है। उसको जो भी नाम दें, मेरे मन में जो आया, मेरा जो सुझाव जिससे हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, हम उसको वॉर ऑन वेस्ट का नाम देते हैं। वेस्ट से बचत और बचत से अपने काम में मुनाफा, ज्यादा मुनाफा, और आज जो काम कर रहे हैं उस क्वालिटी में मुनाफा। कहीं भी हो, अपना घर हो, ऑफिस हो, साइट हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वेस्टेज नहीं होती। अगर हम अपनी निगाह, अपनी नजर अपने आसपास घुमाएं एक दिन में, तो हमें दिखेगा कि बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां छोटे छोटे सुझाव लाए जाएं और वेस्टेज बचाई जा सकती है। जैसे कि जब कोई कमरे में नहीं है वो लाइट बंद कर दी जाए, नल जहां पानी बह रहा है उसको कोई भूल गया बंद करना, उसको बंद कर दिया जाए, ऑफिस में पड़ा पेपर जो एक बार यूज हो गया उसकी दूसरी साइड को यूज कर लिया जाए, या पेपर ही ना यूज किया जाए, आज तो बिल्कुल कंप्यूटर का जमाना है, सब कुछ कंप्यूटर पर करा जाए। छोटी छोटी चीज। जब मैं ये बात सोच रहा था कि ऐसा बदलाव लाया जाए कि वॉर ऑन वेस्ट की जाए, तो एक कहावत है, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी, मतलब जो बदलाव आप देखना चाहते हैं उसको सबसे पहले स्वयं अपनाइए, वो बदलाव स्वयं बनिए। तो मैंने, ये सच है और मैं ये आप सबके सामने सच को कहना चाहता हूं, करीब एक साल पहले मैंने भी छोटी छोटी चीजों में, सबसे पहले घर में शुरू किया, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं अपनी मां को देखता था कैसे कम में इतना बड़ा घर चलाना, कम पैसों में चीजें बचाना, पुराने कपड़ों को जल्दी खराब ना होने देना, उनको कैसे धोना, कैसे रखना, किताबों को कैसे रखना, घर की चादरों को कैसे संभालना, राशन में कैसे बचत करनी, मैंने देखा ही अपनी माँ को करते हुए, और ऐसे ही आप सब ने अपनी माँ को देखा हुआ करते हुए। तो मैंने अपने मन में सोचा साल पहले कि आज से जब मैं कमरे से बाहर निकलूंगा उस कमरे की मैं लाइट ऑफ करूंगा, सवेरे जब मैं दाढ़ी बना रहा हूं तो जब मैं अपने मुंह पे साबुन लगा रहा हूं तो नल बंद करूं, जब शेव कर रहा हूं उसके बाद ही नल को ऑन करूं, अगर कहीं लिफ्ट में जा रहा हूं, अगर लिफ्ट में अकेला मैं हूं जो जा रहा हूं तो लिफ्ट ना लूं, वेट करूं चार लोग और आ जाए फिर जाऊं, या मैं सीढ़ी से चला जाऊं। ये छोटे छोटी चीजों को मैंने अपने आप में इस बदलाव को लाना शुरू किया। कुछ लोगों ने देखा होगा ऑफिस में जब मैं लिफ्ट में घुसता हूं तो शायद अगर चार लोग बाहर खड़े हो वो वेट करते हैं, नहीं सर के साथ नहीं जाएंगे, उनको मैंने रोक के बुलाया कि आओ सब एक ही बात चलते हैं, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्यों ना जाए एक सब साथ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम बहुत बड़ी बड़ी बचत ला सकते हैं। आप लोग देखेंगे जब हमारी सोच ऐसी बन जाएगी तो सिर्फ काम पर ही नहीं, अपने घर में भी हम इस सोच को एक सच में लाएंगे, बदल देंगे। अपने बच्चों को भी हम लोग ये सिखाएंगे कि ये जो वेस्ट है, जो हम लापरवाही में कहते हैं कोई बात नहीं होता है, लाइट ऑन रहेगी रहेगी, नल का खुला रहेगा रहेगा, रात को ऑफिस से जाते जाते मेरा कंप्यूटर ऑन रह गया तो रह गया, ये छोटी चीजें नहीं है, इनमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमें लाने की जरूरत है, इनमें बहुत बड़ी बचत छुपी हुई है। जो लोग साइट पे काम करते हैं वो जानते हैं कि जब भी मैं साइट पे चलता हूं कहीं भी इतना सा सरिया का टुकड़ा अगर मुझे दिख जाए तो मैं उसको उठा के, स्वयं उठा के साइट के प्रोजेक्ट हेड को बोलता हूं इसको जरा एक
अच्छी जगह रखो जहां ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, कील हो, सरिया हो, कुछ भी हो, उसको एक जगह रखो ताकि हम उसको कबाड़ी वाले को बेच सके, पैसा बन जाता है। ईंट अगर हो उसको उठा के एक जगह रखें ताकि वो ईंट दोबारा यूज हो जाए साइड। छोटी छोटी चीजें। मुझे लगता है कि हमारे 80s परिवार में ये जो नजर है, ये जो एक नए अलग तरीके से काम करने की जो क्वालिटी है हम सब में, कहीं ना कहीं हम उसको भूल चुके हैं या कहीं ना कहीं हमने उसको पीछे रख दिया है, हम उसको फिर आगे लाएं। ये एकमात्र कंपनी होगी भारत में जहां साइट का छोटे से छोटा जूनियर से जूनियर एम्प्लॉय या स्टाफ, या कंपनी का हेड ऑफिस में बैठे सीनियर का सीनियर से सीनियर एम्प्लॉय अपना सुझाव बिना हिचक दे सकता है, जहां उनको लगे कि हां ऐसा करने से बचत होगी, बचत होने से कंपनी का मुनाफा होगा, कंपनी का मुनाफा होने से हम सबका मुनाफा होगा, हम सबको उस मुनाफे का भागीदार बनने का पूरा हक होगा। मैं चाहता हूं कि इस नए साल की शुरुआत हम इस नींव से रखें जिसमें आप सबसे प्रथम हैं, क्योंकि आपका सुझाव जो बदलाव लाएगा उसी की वजह से ATS कंपनी, आपकी कंपनी, हमारी कंपनी, उसी वजह से दोबारा एक बार फिर पूरे भारत में चमक के सामने आएगी। यही नहीं, जो भी सुझाव, एक प्रैक्टिकल सुझाव होगा जिसमें वास्तव में कंपनी में चेंज आएगा, बचत होगी, उस सुझाव को अवार्ड दिया जाएगा, पहचाना जाएगा, उस परिवार के सदस्य को सारे परिवार के सामने सराहाया जाएगा, अप्रिसिएशन दी जाएगी ताकि और लोग भी सामने आए और कहें कि नहीं ये तरीका और भी है, ऐसे भी हम और बचत कर सकते हैं। कंप्लेन करना, स्थिति को कहना कि खराब है, काम खराब है, ये तो सब कर सकते हैं, देश में, कंपनी में, घर में, सब जगह सब कर सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर उठ के एक नई चीज, एक नया बदलाव, एक नया जोश लाना कंपनी में, मैं देखना चाहता हूं आप सब लोग कैसे करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर, और हम सब बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए आपका सुझाव जो कि लाएगा इस कंपनी में बदलाव। बहुत बहुत धन्यवाद।